छत्तीसगढ़ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फिजूल खर्ची का मामला सामने आया है, क्योंकि यहां बेवजह 11 एम्बुलेंस खरीदी की गई है जो आज धूल खाते हुए पड़ी है। डीकेएस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस का ठेका निरस्त करने के बाद मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलने से मरीज परेशान हो रहे हैं, तो वहीं डीकेएस अधीक्षक साहिबलाल आदिले ने बताया कि टोटल 11 एम्बुलेंस है, इतने जरूरत नहीं है, इसलिए ठेका रद्द किया गया है। साथ ही बताया कि पर एम्बुलेंस 1,80,000 के हिसाब से महीने में 20 लाख से ज्यादा का भुगतान किया जा रहा था, जो बिल्कुल फिजूल खर्च है। आदिले ने बताया कि फिलहाल मेकाहारा के एक एम्बुलेंस से काम संचालित हो रहा है। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हॉस्पिटल प्रबंधन को इतनी एम्बुलेंस की जरूरत नहीं थी, तो आखिर ये एम्बुलेंस क्यों खरीदा गया और इसके ठेका क्यों दी गई है। अब इस पर सवाल उठता है कि इस तरह के फिजूल खर्ची पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्या राजपूत।